नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी सर्विंग और रिटायर फौजी भाइयों की एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक न्यूज चैनल में। सभी जवानों और अधिकारियों के लिए सेना मुख्यालय ने जारी किए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश 30 अप्रैल 2021 तक हुए लागू। जी हाँ दोस्तों, सेना मुख्यालय की ओर से हमारे सभी जवानों और अधिकारियों के लिए कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सेना मुख्यालय की ओर से हमारे सभी जवानों और अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे जवानों और पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से संबंधित हर छोटी से लेकर बड़ी खबर आपको हमेशा मिलती रहेगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, COVID-19 एडवाइजरी नंबर 90 जारी की गई है सेना मुख्यालय की ओर से 16 अप्रैल 2021 को, और इस लेटर की कॉपी तमाम हेडक्वार्टर्स को भी भेजी गई है। दोस्तों, इस लेटर के माध्यम से कहा गया है कि सैन्य दफ्तर 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। जिन जवानों की पोस्टिंग दफ्तर में है तो वो COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करना भी वहाँ पे अनिवार्य होगा, और जो भी मीटिंग होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई जाएगी, और कॉमन एरिया में भीड़ भाड़ का भी खासा ध्यान रखा जाएगा, भीड़ भाड़ को कम रखा जाएगा। दोस्तों, ये जो दिशा निर्देश है वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 अप्रैल 2021 तक लागू रहेंगे। 30 अप्रैल के बाद में इसको रिव्यू करके और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। वही दोस्तों, मिलिट्री हॉस्पिटल को लेकर भी बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो 15 मई 2021 तक लागू रहेंगे। इसके बाद में इस पर विचार किया जा सकता है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मिलिट्री हॉस्पिटल को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो इस प्रकार हैं। वहीं अगले पॉइंट में इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया कि यदि कहीं पर भी रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन चल रही हैं तो वो इन्हें टेम्परेरी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं अगले पॉइंट में एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज के बारे में बताया गया है। पहला है मैटरनल और न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ की जो सर्विसेज है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में कंटिन्यू रहेगी। वही कम्युनल डिजीज़ के जो केसेज है उनका इलाज भी हॉस्पिटल में किया जाएगा, और जो क्रॉनिक कंडीशन से जूझ रहे हैं उनका भी इलाज मिलिट्री हॉस्पिटल में किया जाएगा, और एड्रेसिंग इमरजेंसी मैनेजमेंट भी किया जाएगा, साथ में जो सर्जरी वगैरह है वो भी कंडक्ट की जाएगी। लेकिन साथ में जो कोरोना वायरस के दिशा निर्देश है उनका भी पालन करना अनिवार्य होगा, सभी सेफ्टी का जो पालन है वो भी करना अनिवार्य होगा। वहीं अगले पॉइंट में इसमें बताया गया कि जो स्टाफ कंटिन्यू 7 से 10 दिन की ड्यूटी मिलिट्री हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहे हैं तो उन्हें रोटेट किया जाएगा, यानी रोटेशन के आधार पर उनकी ड्यूटी को चेंज किया जाएगा। वहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में कम से कम एंट्री दी जाएगी ताकि वहाँ पर भीड़ भाड़ ना हो और कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन किया जा सके। वहीं अगली जो गाइडलाइन जारी की गई है वो जवानों के ट्रेनिंग के रिगार्डिंग है। कोविड केयर सेंटर की स्थापना फिर से की जाएगी, एसिम्टोमेटिक या माइल्ड केसेस के जवानों को इसमें रखा जाएगा। वहीं जो जवान या इनके डिपेंडेंट जो 45 साल के हैं उनको वैक्सीन की दोनों डोज भी दी जाएगी। अगले पॉइंट में इसमें बताया गया कि ट्रेनिंग जो चल रही है उसको फिलहाल रोकी नहीं जाएगी, और जो ट्रेनिंग चालू रहेगी लेकिन उसमें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे सेना मुख्यालय की ओर से जारी किए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।